अलवर नगर परिषद बोर्ड की शनिवार को हुई बैठक हमेशा की तरह हंगामेदार रही। बैठक के दौरान कई बार पार्षदों के बीच गर्मा गर्मी सामने आई। आखिरकार परिषद में 87.4 करोड़ रुपए का बजट पारित कर दिया गया। बैठक के दौरान जब प्रतिपक्ष नेता नरेंद्र मीणा, पार्षद नारायण साईवाल, अजय पुनिया और कपिल राज टोकाटाकी कर रहे थे तो भाजपाई पार्षद घनश्याम गुर्जर और सत्ता पक्ष के अन्य पार्षदों ने उन्हें रोका। इसके बाद बैठक में तनाव का माहौल पैदा हो गया। वहीं प्रतिपक्ष कांग्रेस के पार्षद शहर की सफाई, रोशनी, आवासीय पट्टे, आवारा पशु आदि मुद्दों को उठाते रहे। हंगामे के दौरान ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने वर्ष 2018-19 के लिए परिषद का 87.4 करोड़ रुपए खर्च का बजट पारित कर दिया। पारित किया गया बजट पिछली बार के बजट से 6.14 करोड़ रुपए अधिक है। नए बजट में सफाई का खर्च पहले की तुलना में करीब 1.5 गुना रखा गया है। पहले वार्षिक सफाई का खर्च 6.60 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गया है। बैठक के दौरान सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव भी पहुंचे। दलगत राजनीति को भुलाकर भाजपा विधायक बनवारीलाल सिंगल और सभापति अशोक खन्ना ने नगर परिषद के मुख्य द्वार पर आकर उनका स्वागत किया। सांसद का कहना था कि उनका कोष सभी के लिए है और इससे पूरे लोकसभा क्षेत्र में विकास करवाए जाएंगे। उनका यह भी कहना था कि सफाई का काम स्थानीय निकाय की प्राथमिकता में होना चाहिए। तो देखिए, सांसद का विवेक होता है और जनता की जरूरतों के हिसाब से सभी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर उनके हक और अधिकार जितना बनता है उस हिसाब से जनता की डिमांड को देखते हुए दिया जाएगा। वहीं विधायक सिंगल ने शहर के विकास के लिए संकल्पबद्ध होने की बात कही। वहीं अलवर की एक नई तस्वीर बनाने के सहयोग का आह्वान भी किया।